नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ गाजर की ऐसी मिठाई जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है और जो हेल्दी भी है, क्योंकि हम उसे गाजर से बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। इन्हें बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम गाजर ली है और 200 ग्राम की मैंने सूजी ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने नारियल का बारूदा लिया है और 400 ग्राम चीनी है और ये 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है। जितनी हमें गाजर लेनी है उतनी ही हमें सूजी लेनी है। 40 ग्राम हमारा मिल्क पाउडर है, 400 ग्राम चीनी है वजन से और ये 35 ग्राम हमारा नारियल का बारूदा है। अगर कोई चीज आपके पास ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। गाजर को मैंने छील कर काट लिया है पीसेज में। पहले हमें एक मिक्सर जार में डाल करके सूजी को पीस लेना है। इसे हम बिल्कुल फाइन बना लेंगे, फाइन पाउडर इसका जैसे में आटा होता है उसी तरह से। और ये देखिए हमने सूजी को पीस लिया है, इसमें बिल्कुल आटा जैसा बन गया है आप देख सकते हैं। और अब इसी जार में हम जो हमने गाजर काटी थी वो डाल लेंगे और उनका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसी जार में डाल लेंगे सूजी की जगह। अगर आप आटा या मैदा लेना चाहें तो ले सकते हैं। आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल लेंगे या खाने का सोडा और फिर तो नारियल का बारूदा जो हमने लिया था वो डाल लेंगे। मिल्क पाउडर डाल लेंगे। आप चाहें तो एक बाउल या कटोरी का नाप बना लें और फिर सब चीज़ें उसी से नाप कर ले लें। आधा आधा चम्मच हमें मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर लेना है और एक कटोरी में या जो कप आप बनाएं सूजी लेनी है और उसी कप से या कटोरी से हमें गाजर का पेस्ट लेना है और उससे डबल हमें चीनी लेनी है। तो देखिए एक ही कटोरी हमारी सूजी थी और एक ही कटोरी हमारा ये गाजर का पेस्ट हो गया है। और अगर वजन से इन्हें देखा जाए तो ये दोनों 200 200 ग्राम है। 200 ग्राम सूजी है, 200 ग्राम सूजी है। गाजर को पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था और 1 कप दूध हम और डाल लेंगे इसी में। लगभग हमें 2 कप दूध डालना है इसका पेस्ट बनाते वक्त। अभी थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं और थोड़ा दूध डाल लूँगी। और इस तरह से मैंने 2 कप दूध डाल लिया है। कुछ पीसने में डाला था गाजर को आधा कप और 1.5 कप मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और इस तरह से हमारा पेस्ट बन गया है। इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दें और इसे हम ढक के रख देंगे। और अब हम अपनी चाशनी की तैयारी करेंगे। जिस कप या कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कप या कटोरी से हम चीनी ले लेंगे। 2 कप हम चीनी डाल लेंगे और 1 कप पानी डाल करके हम इसका चाशनी बना लेंगे जैसे हम रसगुल्ले की बनाते हैं उस टाइप से, आधा तार की। और वेट में हमें 400 ग्राम रहेगी। सूजी 200 ग्राम थी तो हमारी चीनी 400 ग्राम रहेगी। और ये देखिए इधर मेरा तेल गर्म हो गया है, चाशनी मेरी बन गई है और अब मैं पूड़े बना लेती हूँ। इस तरह से गैस तेज रखेंगे हम शुरू में और फिर हम इस तरह से डाल देंगे, फिर इन्हें पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन हम सेक लेंगे। देखिए मालपुए हमारे बन गए हैं गाजर के पूड़े। निकाल लेंगे इधर से किनारे से लगा के इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इन्हें डायरेक्टली ही चाशनी में डाल देंगे। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे चाशनी में डालते जाएंगे और जो नए डालेंगे तो हम पहले वाले जो हमने डाले हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो रसगुल्लों की तरह भी डाल के रख सकते हैं और चाहे इस तरह से। देखिए अब हम निकाल लेंगे, हमारे दूसरे वाले सीख गए हैं तो वो इसमें हम डाल देंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे। चाशनी में अच्छी तरह से भर गई है, देखने में ये कुछ बालू शाही जैसे लग रहे हैं क्या, रसगुल्ले की तरह कह सकते हैं, लेकिन खाने में इनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और गाजर के हैं तो बहुत हेल्दी भी हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे बन करके तैयार हो गए, कितने आसान है इन्हें बनाना। मैं इसी तरह की नए नए वीडियो लेकर आती रहती हूँ।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।